मुझे हंसी लगभग मेरी बस हंसी निकल रही है। अच्छा मैंने कभी सार भी धो लिया उसने यार ना हो तो। अच्छा तो उसने मैंने तुम्हारे कितने दफा बाल खींचे हैं, वैसे कितने कितनी को दफा खींचे होंगे याद है कुछ हैं? मैंने बच्चों ने तुम्हारे कितने दफा बाल खींचे हैं? मैं हाथ नहीं लाने दी तुम्हारे, अभी मैं तुम्हारे खींच के दिखा दूँ तुम क्या हाथ नहीं लाने देंगे। मैंने तुम्हारे नहीं हाँ तब याद है जब हम गए हुए थे तुम लोग के घर, जब हम नहर पे गए हुए थे, जब मैं हाँ, जब हम दोनों लड़ाई हाँ, करते मुझे पता तुम सिद्धायन होगे कहती है तुम सिद्धायन होगे लफाओ तुम जो हो इतना तुम्हारा भी मुझे पता। अच्छा और नहीं जब हम वो फाइट कर रहे थे, बड़े मजे की फाइट थी वो जो टांगों वाली, याद नहीं है तुम्हें क्या? नहीं जब याद है हम नहर से वापस आए थे तो क्या हुआ था याद करो, हंसने को नहीं कहा मैंने तुम्हें, याद करने को कहा याद। ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वैसे कोई मेरे हाथ से बचता नहीं है, पर ये कोई बहुत लकी था जो मेरे हाथ दो दफा बच गया। दादा मैं इतनी सीन होती थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अरे आप मुझे देख रहे हैं ऊपर से, देखे मैं कितनी हसीन हूँ। नहीं मैं उनको बता रही हूँ जो याद है। अच्छा तुम भी कुछ बता दो मुझे, तुम बता दो तुम करो एक दफा पहले एक दफा क्या हुआ था? मदन को आ रही नहीं मरा नहीं था कितनी बदतमीज है झूठी ना हो तो, तुम तो खुद बाहर गली में खड़ी हुई थी झूठी ना हो तो तेनू एक एक लोगी था मैं अंदर ना बाद नहीं जी तुम पहले बाहर खड़ी थी, तुम तो अंदर बैठी हुई थी, बल्कि मुझे याद आ गया हाँ तुम इसलिए बाहर खड़ी होती थी क्योंकि मैं आई थी दफा हो बदतमीज। अच्छा नहीं स्नेहा याद है जब हम नहर से वापस आए थे तो वो जब तुम लोगों ने वो जो मेरे पर क्या चढ़ गई थी कीड़ी, वो क्या चढ़ी थी जब तुम लोगों ने बड़ा तंग किया था मुझे, याद करो ना। ओ ओ ओ ओ माय गॉड एक टक भी है यहाँ पे ठहरो जरा। ओ ओ माय गॉड ओ माय गॉड तुम्हें पता है गाल करो मैंने अंग्रेजी नहीं आंगी मैं इधर तो बोली भी नहीं। स्नेहा तुम्हें याद है जब वो जो तुम लोगों के पास छोटे छोटे बर्तन होते थे तो हम कितना खेलते थे उनके साथ, इंग्लिश से गाल करो मैंने उर्दू नहीं आती हाँ तुम ले के ना बैठ दो। अच्छा ओ तेरा ओ नहीं खिलौने यहाँ पे एक जुआ था आए स्नेहा ओ
कहाँ गया? हाँ ये लो दुआ। दिया तो है, मैंने तुम्हें जुआ दिया, तूने दिया? हाँ मैंने तुम्हें जुआ दिया था। हाँ हाँ मैंने तुम्हें इतना मोटा जुआ दिया था, मैंने तुम्हें इतना मोटा जुआ दिया था। सब माइक सर को लग गया, नाल तो क्या नहीं लगा। अच्छा तुम्हें सुनेहा यार, तुम्हें कुछ बता दो। सुनेहा तुम्हें कुछ याद नहीं है? जो जला तेरे नाल चल देने तो पता है, पिछली बार की आवाज हमारी आई हुई थी ना, मारी आई मारिया ना, मैं और मारिया कट्टे सोते थे ना, तो ना मारिया ने ना, तब शायद सर्दियां थी एक दफा, तो ना मारिया ने क्या किया, मारिया ने बोले क्या किया, तो ना चुप करो, मारिया ने ना अपने ठंडे ठंडे पाओ ना बार बार मुझे लगाई जाए, मैं मारिया को बोलूँ ना करो ना करो, वो ना फिर लगाई जाए, तीसरी दफा जब उसे लगा रख के उसके मुंह पे चपेट मारी। मैं तेरे को पूछी दफा हो तुम, बदतमीज। मैंने नहीं। अच्छा तो ना फिर क्या हुआ, मैंने उसको रख के एक मुंह पे चपेट मारी, मुंह उतर करके सो गई, फिर उसने मुझे दो दिन बुलाया ही ना, फिर तीसरे दिन खुद ही बुलाने लगा। तुम्हें आई थी, बड़ा मजा आया था। वैसे मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी में ना दूध पिलाई मैं कर लूंगी। हैं? हाँ स्नेहा क्या सोच रहा है तुमने? मैं सोच रही तुम्हारी शादी में ना साड़ी बना लूंगी। यार तुम्हें पता है जब मारी शादी थी ना तो तुम लोग तो चले गए थे, तुम लोग कहा था मुझे भी ले जाओ, इतना शहर से तुम शीजा और मामा चले गए थे, मुझे लेकर नहीं थे गए तुम लोग, तो मुझे चुईया यार लेके नहीं थे गए, बांध रही हो एक नंबर की चुड़ैल है वो जो है नहीं, वैसे अच्छी है नहीं, चुड़ैल है नहीं अच्छी है। ओए यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे एक जुआ नज़र आ रहा है, पता नहीं कहाँ। ब्रेक ला सारी बातें मैं करी जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोल लो। अच्छा मैं सोच रही हूँ क्या रखे, तुम एक चपेट मारू सुनिया घर जा, मैंने जाना है ना, तो आंटी ने मुझे ऐसे देख रहे अंकल ने कह रहा है वो क्या अच्छा हाँ तो अंकल ने क्यों कह रहा कि डंडा क्यों नहीं लेके, अंकल का खुद भी डंडा होगा ही। हाँ जब मैं कहती थी ना घर चले, आंटी कहती अंकल कहते थे आते नु गड्डी च बखा के गड्डी से है, नहीं मुझे भी कहते थे अंकल कहते थे आओ तो मैं गड्डी से बैठा के आता हूँ, तुम खुद ही घर पहुंच जाओगे, फिर मैं कहती थी नहीं मैं जाना। क्या कहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा आती है। अच्छा मुझे एक दफा याद है कि हाँ मैंने एक दफा मुईज की कमीज फाड़ दी, मुझे याद आ गया,
मैंने मूवीज का सूट पहना घर आके मुक्का मारा, मैंने नहीं पहना सारी गालियाँ फिर मूवीज को पड़ी थी, मैं घर आके मुक्कर ही गई थी, मैंने कहा था मैंने नहीं पहना। त्रिका मेरे को पूछ ले आगे। देख ले सुन लिया, ये बहुत वो है, एक नंबर की वो इंसान है, वो बहुत अच्छी। अच्छा तो मैं सोच रही हूँ कि ओए मुझे एक जुआ मिला है। कितने पकाने ने, ज्यादा पकाने थोड़े, घूम ही गई है जुआ। तीन है मुझे जुआ मिलने वाला था बस। अच्छा वैसे ये मैंने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया। क्या हुआ है तो आप भी कुछ बचपन का बता दे हमें जो हम करते थे। दादा बताएं कुछ मजेदार। नहीं आप बता दे कुछ मजेदार दादो। हाँ स्नेहा तुम्हें पता है मुझे ना बचपन में डंडे से मार पड़ती थी चाचू सर से। मैं ना एक दफा बोला के आवाज, चाचू ने मुझे पता नहीं कौन सा लफ्ज याद कराया, मेरा पेपर था शायद या मुझे लेसन मिला हुआ था स्कूल से, बोला मुझे याद रही था हो रहा अल्लाह, चाचू ने डंडे मार के मुझे लेसन याद कराया। सुनो आगे क्या हुआ, वो लफ्ज एक ही लफ्ज था, इतनी मुश्किल से मुझे वो याद हुआ। मैंने कहा मैं जरा वॉशरूम करके आती, वॉशरूम याद करती 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 गई गई बाहर, चाचू कहते क्या था मेरी फिर मुझे मैं फिर भूल गई। फिर चाचू ने डंडा पकड़ा, फिर मुझे मारा, फिर मुझे याद आ गया, पता नहीं मुझे बड़ी दफा पड़ी हुई है। मूवीज को बड़ी दफा पड़ी हुई है पापा से, वह मुझे एक दफा पड़ी थी पापा से, अरे मैं खाना नहीं थी खा रही, ना खाना नहीं मैं ना खाना नहीं थी खा रही, तो ना पापा कहते हैं मैंने रोज आता, तो ना मैंने रोज आता मैं खाना नहीं थी खा रही, तो ना मैं खाना नहीं थी खा रही, तो ना पापा कहते हैं क्यों नहीं खाना खा रही, पापा है पापा मुझे ना बाहर उठा के ले आए, तो ना मैं बाहर आकर ना मुंह बना के बैठ गई, मैं फिर भी ना खाना खाऊ, पापा ने क्या किया बड़ी बड़ी अच्छी खासी कुट पड़ी थी मुझे, फिर मैं पप्पू घर चली गई रहने। फिर मैं पप्पू घर चले गई थी रहने, मैं तो डबल टाइम जॉब नहीं करना, तो ना पर स्नेहा नहीं यार मैं सोच रही हूँ कि जो मुझे सूट है वो उसका क्या बनवाऊँ, उसके लिए जो तुम जो तुम्हारा सूट है मेरा भी तुम्हारा जैसा ही है ना, लेकिन शर्ट अच्छी लगेगी कि फ्रॉक, मैं पाऊंगी ना वैसे नहीं, कहने का मतलब ये है कि फ्रॉक अच्छी लगेगी कि कमीज, तुम खुद ही तो जब आई थी तो वो कह रही थी कि इसकी कमीज ना कमीज बनाना, कमीज और पैंट पजामा बना लो, मैं पहनूंगी तो देख लेना, वो तो मैंने तब भी देखा था। हां तो फिर तू आप ही ले ले, पागल ये पूछ रही हो कि फ्रॉक बनाओ कि कमीज, मुझे तो पता है तुम नहीं बनाओ, तू पहना मैं पहना, दफा हो तुम। अच्छा अच्छा मैं सोच रही हूँ कि, और तुमने लेडी बग वाले कार्टून देखे हैं? ओके लो कर लो गल, लेडी बग का ही नहीं पता
ना करो बारात के साथ जाने लगे इसलिए लगाई है। मैंने कहा पहले जुए दिखा दी फिर बाद में चले जाएंगे दुल्हन की आ रही है। हाँ अभी ना फोन आया था कि मूवीज की दुल्हन तैयार होने वाली है बस 5 मिनट रह गए। हाँ मैंने कहा 5 मिनट जाया ना करे जुए दिखा दो। मूवीज की बतीसिया चेक कर रहे थे ना आप पीछे से ਉਹਨ ਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ 2 ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਤੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਤਾਏ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਮੇਂ हैं दादो बताएं। मैं बहुत अच्छी आमीन आमीन। अच्छा कोई मजेदार बात है ना कोई मजेदार जो सबसे मजे की हो जो अभी तक आपको नहीं भूली। आई मेरे बाल पे छोड़ दो लो जी दादो। कोई और मजे की बात है जो मैं करती थी अच्छा और कोई आप हमें आया पहले इतनी बात करते आप हमें बताती नहीं है। एनारीव हमें बड़ा बड़ा मजा आता मुझे खास तौर पर हम बड़ी शरारतें करते हैं दो जी मैं उसको बता रही थी हम बहुत बहुत शरारत करते तो कहती है आज की है मंगल देख लें जरा एक दफा मुझे याद है भला क्या हुआ एनआरडी वायु हुई थी हमारे घर नहीं मैं आपको बता रही हूँ ना इसलिए अच्छा आपको पता है एक दफा क्या हुआ एनआरडी वायु हुई थी हमारे घर तो ना मैं और यहाँ पे हम लेटे हुए जहाँ दादा बैठी यहाँ पे चार पाई पड़ी बिछाई हुई थी तो ना एक तरफ मैं लेट गई और एक तरफ एनआरडी लेट गई तो ना मेरी एनआरडी की लड़ाई हो गई एनआरडी मैंने कहा पीछे हटो तो मेरे दादा के साथ क्यों लेटी हुई हो और मैंने उसकी आधी रात थी तब आधी रात को मेरी और एनआरडी की लड़ाई हुई एनआरडी उठ के मार घर सारे चावल कच्चे खाते हैं मैं खाती हूँ तो मैं नहीं खाती मैं हाथ भी लगा मैं तेल हाथ पर कर लू मैं ऐसे जब पड़े हूँ फिर खाती फिर मैं ऐसे पकड़ती हूँ ऐसे खा के खा लेती हमारे घर में सारे खाते हैं वाह मैं नहीं खाती फैशन करते नहीं है।
हाँ देखी देखी है तो अच्छी बात है, देखी रखो। मैंने बाल रेड कलर के करवाने हैं। मैंने भी रेड ही करवाने हैं। ये मुझे लगता है हफ्ता और शहीद की शादी हो जाएगी और उसकी वो जो नहीं है हुसैन और रमीका उनकी भी, मुझे लगता है उन दोनों की शादी हो जाएगी। ये पैंट और ना यार मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ना एक जीन्स आ जीन है जीन्स ठीक है ना, जीन्स की जो पैंट है ना वो है यार, वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मेरे ख्याल से इस बार ना मुझे तुम जिसे तुम गोडे तो पाटा कहती हो ना वो वाला फैशन चल रहा है यार। वो मैंने ना हाईलाइटर लेना है, हाईलाइटर इतना प्यारा लगता है, तुम्हें क्या आता बहुत प्यारा लगता है हाईलाइटर यार। उसे सारा जो सारा फेस यहाँ से ना सारा ग्लो करने लग जाता, शाइन करता है सही वाला बाल। पप्पा ने पता नहीं कब आना है, मैंने इनसे पूछा भी था कि आप कब आएंगी लेकिन पप्पा ने आगे से रिप्लाई नहीं किया था मुझे। मैंने उन्हें मैसेज किया था, रिका कितना रिका किस स्टेप नहीं है वो आगे से उसने बेबी कटिंग कराई है, पीछे से उसने यू कटिंग कराई हुई है और सेंटर से उसने स्टेप कटिंग कराई है उसकी। मेरी भी पहले तुम्हें पता ऐसी ही थी, मेरी यू थी स्टेप थी और बेबी कटिंग हुई हुई है, लेकिन अब नहीं, अब मैंने बाल मेरे इतने लंबे बाल थे मैंने कटवा लिए हैं आगे से ना कराई इसने। हाँ नहीं सोने लग गए लगते तो हैं लेकिन उसने हमारे इधर है ना पार्लर वाले मशीन उसने करवाई उसने कर लगते चो उसका भी मेरे जैसा है ना थोड़ा मेरा वो पतला हमारा लंबा है थोड़ा पतला मेरा मैं चो है ना मेरा आगे तो सही नहीं हुआ मेरा फेस तो उसने करवाया उसने खुद ही की इतनी सुन लगती है इतनी इतनी सुन है उसने कहा दी यार हम तो कहीं पे जा हम कहीं जाते ही नहीं। हाँ मामू घर जा रहे तो उधर से मारिया के दोस्त है ना फ्लाइट में जाते हैं तो उसने कहा था आओ आओ उसके हम भी चले गए थे। अच्छा नहीं मेरी तो दोस्त के घर भी थे दूर यार, तो पता है सीट पे मैं इतना बोर हुई थी कोई दादो भी घर नहीं थी हैं मामा बस मैं ही घर थी और कोई भी। दो बजे मामू घर गए थे पाँच बजे आए थे उनके बाद फिर ईद के तीसरे दिन यार यहाँ पे किसी के घर भी नहीं, इंसान किसी के घर चला जाए लोग इतनी दूर जाते हैं, हम यहीं पे मनोज दो गली पार पप्पो के घर वहाँ से आ जाओ वापस बस ठीक है ईद खत्म। हमारा भी मामू का घर है पास और कौन ना पार नहीं जाते हम भी नहीं कहीं जाते इंसान भला घूमने जाता है यहाँ पर मनोज मारे किसी को घूमने का वो नहीं है। अब तुम लोग ने सारा घर अपना वो बंद कर लिया ना उनके छत पे चले उधर से इधर आ जाओ। वैसे मुझे किस किस किसी चीज की खुशबू आ रही है, मुझे याद आ रहा कुछ सुनिए मुझे कुछ याद आ रहा क्या तो याद करो बैठ के कर तो रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी कामों की गई हुई नहीं गई मैं आंटी के साथ गई तुम्हारे साथ शायद मैं एक दो दफा गई हूँ एक दफा ही शायद हूँ जाऊँगी हफ्ते हाँ लो जी इतनी जुम्मे वाले दिन बस लगता है जुम्मे वाले दिन ही सीधा तो जाने शायद किस दिन लगता है क्या बाजार काम बाजार होते लगा ही रहना हर रोज हाँ
हैं? वाह क्या बात है। वो नहीं है, एल भी नहीं है वहाँ पे। है क्या नहीं है? वो क्या होता है? अच्छा अच्छा इसको आप एल भी कहते हैं? एल बी। एल बी अच्छा मुझे नहीं था वैसे पता। अभी मैंने एक दो पिद्दा निकाल दिया हुआ है, पता नहीं तीन चार पिद्दा निकाल दिया और बहुत ज्यादा जुमे हैं इसके साल में, फंस गई ना हो तो। हाय मुझे ऐसा लग रहा जैसे हाय तो जगह गैप होने का सामने कर दीजिए। अच्छा कोई गाना सुना दो स्नेहा। क्या बताऊं तुम्हें, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर ना फटाफट चकोतरा खा के आ जाऊं वापस। मुझे खुशबू आ रही है। जल्दी जुए देखो मैंने अभी अपनी गुड्डी कटी। कौन सी गुड्डी? तुम मैं तुम्हें गुड्डी नजर आ रही हूँ? नहीं क्या नजर आ रही? पुतला। वेरी फनी। ये तुम्हारे सर में की घोंसला है जिसमें छड़ी वो ही जा रही है वापस। ये देखो तो अभी मैं यहाँ से निकाल के गई थी, वहां से वापस भी आ गई। शर्म नहीं आती इनका भी, मैंने यहाँ से सारा उसका वो किया था। इतनी मुश्किल से मैं यहाँ से सारा देख के गई थी फिर वापस आ गई। लिखे तो नहीं ना चलती? क्यों लिखे भी चलती है क्या? अच्छा जा यहाँ जा 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 जहाँ जहाँ से वो गुजरती है वहाँ वहाँ पे फिर लिखे देती। अच्छा और जहाँ पे तक होती है वहाँ पे क्या होता है? रोजी को भी चूहे के हाथ में भी मोबाइल देखा है। हाँ वो सामने बैठा तो वैक वन सेकंड ना, यहाँ पे दो तक्के हैं, यहाँ पे दो तक्के थी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट ज्यादा फुल हो गया। हाँ वाले तुम और खा भी कहेंगे? हाँ ये दो प्लेट चावलों के तो खा ही लूंगी मैं। हाँ पसंद भी नहीं है, दो प्लेट खा भी लूंगी। दो प्लेट चावलों के खा ही लूंगी बस, दो बहुत होती है। अगर ज्यादा भूख लगी फिर चार खा लूंगी या फिर तीन खा लूंगी। हाँ मुझे लग रहा है नीचे